मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर मची खींचतान के बीच सरकार के अध्यादेश वापस लेने के ऐलान के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। जबलपुर पहुंचे शिवराज सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है। कहती कुछ है और कांग्रेस करती कुछ है। कांग्रेस हमेशा पिछड़े वर्ग की विरोधी रही है, कभी भी गरीब और पिछड़ा वर्ग के हित को लेकर काम नहीं करती। कांग्रेस चाहती है कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव हो जाए, पर सरकार ऐसा नहीं होने देंगी। जबकि निर्धन आयोग बनाकर भाजपा ने ओबीसी एससी एसटी वर्ग समेत सामान्य वर्ग को भी आरक्षण देने का काम किया था। लिहाजा कमल पटेल ने पंचायत चुनाव टालने के सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि भाजपा पिछड़ा वर्ग को उनका हक दिलाना चाहती है। यही वजह है कि ओबीसी आरक्षण के बगैर भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती, इसलिए सरकार अब ओबीसी का आरक्षण संबंधित निर्णय पूरा होने के बाद ही चुनाव कराएगी। प्रदेश सरकार ने अपना निर्णय ले लिया है, अब इस पर चुनाव आयोग को फैसला लेना है। इसके अलावा कमल पटेल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के कृषि कानून वापस आएगा वाले बयान का भी समर्थन करते हुए कहा कि इस बार किसानों से बातचीत करने और उनकी राय लेने के बाद ही किसानों के हित में सरकार भारत सरकार कानून बनाएगी, क्योंकि मोदी सरकार चाहती है कि किसानों की आय दोगुनी हो और खेती लाभ का धंधा बने, और वापस ले गए तीनों कृषि कानून भी इसी मकसद से बनाए गए थे। लेकिन विपक्ष और कुछ संगठनों के किसानों को भड़काने की वजह से कृषि कानूनों को वापस लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव, गरीब, किसान और हर वर्ग का, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा हो या सामान्य वर्ग के लिए भी निर्धन आयोग बनाया, 10% आरक्षण उनको भी दिया, सामान्य वर्ग निर्धन को, ओबीसी को भी 27% आरक्षण दिया है, अनुसूचित जाति जनजाति को भी जो संवैधानिक अनुसार है उसको दिया है, और उसके अनुसार ही नियुक्तियाँ हो रही थी। लेकिन कांग्रेस की कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा। कहती कुछ और करती कुछ है। हाथी के दांत दिखाने के और अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। कांग्रेस ने 60 साल राज किया लेकिन ओबीसी को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, पिछड़े वर्ग आयोग को। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसकी सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। उन्होंने आज़ाद भारत में पहली बार पिछड़े वर्ग को भी संवैधानिक दर्जा देकर 27% आरक्षण का निर्णय लिया, और उसके कारण कांग्रेस बौखला गई कि पिछड़ा वर्ग तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया, अब हमारी तो जमीन खसक गई, वैसे ही खत्म हो गई कांग्रेस। तो इन्होंने ताबड़तोड़, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो विधानसभा के अंदर एक अध्यादेश लेकर और एक प्रस्ताव पास कर दिया कि हम 27% आरक्षण देंगे। दूसरे दिन माननीय उच्च न्यायालय में पिटिशन लग गई, लेकिन कांग्रेस की ओर से एडवोकेट जंगल तक खड़े नहीं हुए और उसके कारण वो उस पर स्टे हो गया। इसलिए इनकी कथनी और करनी में अंतर, दिखावे के लिए किया था, सिर्फ चुनाव था लोकसभा का, इसलिए चुनाव में कहीं मिल जाए, लेकिन फिर भी जनता ने इनको नकार दिया, सफाया कर दिया कांग्रेस का। और इसलिए कांग्रेस की कथनी करनी में अंतर है, हमेशा ये पिछड़े वर्ग के विरोधी रहे। इसलिए एक भी मुख्यमंत्री इन्होंने नहीं दिया, एक प्रधानमंत्री नहीं दिया, एक ही परिवार के लोग राज करते रहे, और इसलिए कांग्रेस हमेशा गरीब विरोधी रही है, पिछड़ा वर्ग विरोधी रही। बात करती थी गरीब की, गरीबी हटाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे, लेकिन गरीबी हटी क्या? 60 साल में मैं गरीबों के लिए एक शौचालय बनाया क्या, एक पक्का मकान बनाया क्या, पीने के पानी की व्यवस्था की क्या, किसानों को कहीं सम्मान निधि दी क्या, बल्कि किसानों की जमीन छीन ली, कर्ज में डुबा डुबा के कर्ज में डूब गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल के अंदर महात्मा गांधी के सपनों को भी साकार किया, स्वच्छ भारत करके दिखा दिया। जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो 7 साल में मोदी जी ने किया, गरीबों को पक्के मकान दिए और 24 तक सबको मकान हो जाएंगे। अभी मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने एक नियम लागू पास किया, कानून, कि जो भी मध्य प्रदेश में गरीब है, अभी एक परिवार में अगर 10 लोग हैं और चार उसमें वयस्क के चार परिवार हो गए लेकिन उनके पास एक ही मकान है, तो 3 लोगों को भी हम मकान देंगे, जमीन देंगे, उनको भू अधिकार, मुख्यमंत्री भू अधिकार कानून लेकर आए, जिसके तहत मध्य प्रदेश में वयस्क पति पत्नी नाबालिग बच्चे सबके लिए जमीन होगी, उनका पक्का मकान होगा। सर, ये फैसला और किस तरीके से देखती है, चुनाव टालने का जो फैसला है इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, बगैर ओबीसी आरक्षण के भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जाती, क्योंकि ओबीसी वर्ग को उनका प्राकृतिक कृषि पद्धति एक नियम लागू किया है, जिसके तहत अभी हम 99,000 हेक्टेयर में कर रहे हैं शुरू। बीजेपी दोनों तरफ से खेल गई, अध्यादेश लाकर भी आपने मैदान मार लिया और अध्यादेश वापस भेज कर दिया।
मतलब आपने अध्यादेश ला के पहले तो चुनाव, तो हमने चुनाव कराए, चुनाव हो रहे थे, प्रक्रिया शुरू हो गई थी, कांग्रेस चुनाव में नहीं जाती तो यह स्थिति नहीं बनती, इसलिए पिछड़ा वर्ग विरोधी कांग्रेस। कृषि मंत्री ने नागपुर में कहा है कि कृषि कानून फिर से वापस लाएंगे, तो क्या आप कृषि मंत्री मंडल से आप चाहते हैं कि कृषि कानून फिर से आए, या किसानों के साथ आप भी मानते हैं कि नहीं फिर से ये चलावा रहा है जैसे कि पेपर चार होता है? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री जी किसान की आय दोगुना करना चाहते हैं। किसान के देखिए कैसे कैसे कानून थे, कैसे नियम थे कि फसल आती पहले खरीदते बाद में थे, एक दिन में 25 ही क्विंटल खरीदते थे। अब वो हमने कानून में परिवर्तन करके, नियमों में परिवर्तन करके पहले कर दिया, तो किससे किसान को 12,000 करोड़ ज़्यादा मिल गया, तो ये किसान के हित में है ना। तो किसानों के हित में जो भी कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा हम करेंगे, गरीबों के हित में जो भी कानून में करने में परिवर्तन करना पड़ेगा वो हम करेंगे, देश के हित में जो भी कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा हम करेंगे। क्योंकि हम सत्ता में सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम विधायक मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाए, हम सत्ता में इसलिए आए हैं, सत्ता एक साधन है, इसके माध्यम से हम सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन और देश को मजबूत करना चाहते हैं, देश के हर वर्ग को मजबूत करना चाहते हैं। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण 60 साल देश गरीब रहा, हम दे और इसलिए देखिए 7 साल में देश परिवर्तन हुआ कानूनों में नहीं हुआ। समर्थन करते हैं केंद्रीय, कह तो रहे ना, अरे और क्या कह रहे हैं, समर्थन करते हैं, मतलब हम हर वो चीज जो देश के हित में उसको बदलेंगे और देश को एक शक्तिशाली समृद्धशाली वैभवशाली भारत का निर्माण करके, स्वामी विवेकानंद जी का जो सपना था कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी, 21वीं सदी का 21वां वर्ष जा रहा है, आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी भारत की होगी, भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचेगी और जो हमारा संदेश है भारत का संस्कृति, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणी मात्र में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो, ये हमारे संस्कार में, ये पूरी दुनिया को देंगे, जियो और जीने दो। मैंने कहा ना कि कानून किसानों के हित में जो भी कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा करेंगे, किसानों के हित में। अब हम किसानों को पहले प्रशिक्षित करेंगे, किसानों को प्रशिक्षित करेंगे, किसानों की डिमांड के अनुसार किसानों को जागृत करेंगे। जो पहले कानून आया था, एक झूठ को 100 बार बोलो सच हो जाती है, विपक्ष ने और संगठनों ने कर करके काला कानून, जबकि किसानों के हित में। मैंने उस दिन भी कहा था कि ये देश का दुर्भाग्य है कि एक अच्छे कानून को भी वापस लेना पड़ रहा है, और इसलिए हम किसानों को विश्वास में लेकर और इनको एक्सपोज